शीट नंबर 74 का पहला क्वेश्चन है, बहुत आता है नीट और मेंस दोनों में, कि रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स, इंटेंसिटी की रेशियो कितनी है, I1 by I2 गिवन है, I1 by I2 9:1 गिवन है, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, A² / B² यहाँ से क्या आ जाएगा, A / B आ गया, ठीक है। अब रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी निकालनी है, तो IMAX और IMIN का फॉर्मूला क्या होता है, A + B / A - B का होल स्क्वायर, तो यहाँ से A / B की रेशियो पता है, यहाँ पर A = क्या पुट करना है, 3B, A की जगह 3B पुट करके सॉल्व करके इंटेंसिटी मैक्स इंटेंसिटी मिनिमम की रेशियो आ जाएगी। तो NCERT की प्रॉब्लम थी ये बेसिकली, SL के अंदर जो मैंने क्वेश्चन दिए थे होमवर्क करने के लिए, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, इसलिए मैंने होमवर्क दिया था कि ये होमवर्क है, सुपर पोजिशन है, या आप ट्राई करेंगे, या आप ट्राई करेंगे, NCERT बेस्ड है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर इन अ सर्टन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ विड्थ 1 mm β1 गिवन है, ऑब्जर्व्ड व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 है, तो λ1 गिवन है, कीपिंग सेटअप अनऑल्टर्ड, स्मॉल डी कैपिटल डी को चेंज नहीं करना, इफ सोर्स इज रिप्लेस बाय अनदर सोर्स ऑफ वेवलेंथ λ2 गिवन है, तो कह रहे बीटा कितना है, तो λ1 β1 गिवन है, λ2 गिवन है, β2 निकालना है, तो मुझे पता है कि इसमें हम क्या करेंगे, जो बीटा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो β1 / β2 इज λ1 / λ2, क्योंकि छोटा डी और बड़ा डी की वैल्यू दोनों में सेम है, तो सॉल्व करके यहां से β2 निकालना है, β2 कैन बी कैलकुलेटेड, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, इन YDSC एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पावर डिफरेंस लैम्डा इज के यूनिट, जहां पर किसी स्क्रीन के ऊपर कोई पॉइंट है जहां पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी है लैम्डा, जैसे दो सोर्सेज हैं, ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना है, वो कह रहा है मान लो कितना है लैम्डा, तो वहां इंटेंसिटी कितनी है के, रिजल्टेंट इंटेंसिटी के है। आगे क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले इसी के सुन लें, पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना है पाई, नहीं 2 पाई, लैम्डा का मतलब यहां पर क्या है 2 पाई, या करेक्शन है 2 पाई, राइट। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, लैम्डा कॉरस्पॉन्ड्स टू 2 पाई होता है ना, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी IA + IA + 2 II कॉस ऑफ 2 पाई, या अगर ये फॉर्मूला नहीं यूज करना कोई बात नहीं, आप रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला यूज कर लो, कौन सा 4 into I 4 I0 की जगह 4 I, क्योंकि 4 I0 होता है वैसे I0 I0, तो 4 I0 into cos² 5/2, तो ऑब्वियसली 5 की जगह 2 पाई पुट करोगे तो भी आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम आएगा। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, के, तो मेडिकल वालों के लिए बता रहा हूं कि अगर ये यूज करते हो तो कॉस ऑफ 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, तो सॉल्व करके क्या आ गया 4 पाई, और ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी गिवन है के, ये क्वेश्चन नंबर 1 संभाल के रख लो। तो यानी कि इस इक्वेशन से ये समझ में आता है कि जहां मुझे आई की जरूरत पड़ेगी वहां मैं क्या पुट करूंगा, k/4 आंसर नहीं आया अभी तो I = k/4 आया, वो क्या कह रहा है, मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताओ जहां पार्ट डिफरेंस कितना है λ/3, फिर से केस सॉल्व करते हैं, λ/3 का मतलब क्या होता है, लैम्डा का मतलब 2 पाई, तो फेज डिफरेंस कितना है 2π/3, तो इंटेंसिटी क्या बनेगी I + I + 2 I × I कॉस ऑफ 2π/3, क्लियर है यहां तक, और कॉस 2π/3 क्या होता है 120, कॉस 120 क्या होता है -1/2, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा आई, लेकिन आई किसके इक्वल है यहां से k/4, क्योंकि ऑप्शन में आंसर के की फॉर्म में देना है, तो एंड में आई की जगह रिप्लेस कर दो, k/4 इज द आंसर, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है यहां तक, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी, ये नहीं करना, ये पोलराइजेशन का ये भी होगा नहीं, ये नहीं करना, ये भी नहीं करना, डिफ्रैक्शन अगली बार करना है, ये भी डिफ्रैक्शन अगली बार करना है, सिर्फ IDSC करना है, ये भी नहीं करना, ये होगा नहीं आपसे, और आप क्वेश्चन करें ये भी नहीं कर, यहां से करेंगे 14th क्वेश्चन से, 14th क्वेश्चन से,